आज हम लोग सजीव और निर्जीव के बारे में एक गेम करेंगे, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है ना। तो हम सजीव वस्तु का नाम बोलेंगे तो गोले के अंदर कूदना है, आज हम निर्जीव वस्तु के नाम बोलेंगे तो बस वहीं बाहर खड़े रहना है। आप लोग समझ गए कि नहीं? सजीव वस्तु किसे कहते हैं? जिसमें जान होती है। और निर्जीव किसको कहते हैं? जिसमें जान नहीं होती है। तो ईमानदारी से जो बच्चा गलती करेगा वह बाहर हो जाएगा। जब सजीव वस्तु का नाम बोलेंगे तो गोले के अंदर जाना है, और निर्जीव वस्तु का नाम बोलेंगे चुपचाप खड़े रहना है। अगर मान लीजिए सजीव वस्तु का बोल दिया अंदर चले गए, तो फिर निर्जीव का बोलूंगा तो बाहर तो कूदना पड़ेगा ना, है कि नहीं? आप लोग तैयार हैं? तो ताली भाई एक बार। चलिए, गाय, हाथी, बकरी, घोड़ा, दो लोग बाहर हो जाएं, पत्थर, पेड़, बिल्कुल पेड़ सजीव होता है ना, जो लोग बाहर हैं वो लोग बाहर हो जाएं। भाई पेड़ में जान होती है ना, तो अब इतने लोग बचे हैं। कलम, जो लोग बाद में कूदे बाहर हो जाए ईमानदारी से। चलिए, आदमी, औरत, हाँ बाहर हो जाओ। चलिए अब्दुल बाहर हो जाए। पंखा, प्रीतम बाहर हो जाओ, पंखा निर्जीव है तो बाहर जाना है ना। चलिए अब बचे हैं 1, 2, 3, 5 लोग कुल बचे हैं, है ना, 6 लोग, हाँ 6 लोग बचे हैं। चलिए, हाथी, तोता, बकरी, घोड़ा, नल, चलिए घोड़ा, मछली, आम का पेड़, सभी लोग गलती कर दिए हैं। चलिए।